हाय स्किबड़ी स्किबड़ी, देखो इस रेड बच्चे को कैसे रो रहा है। अरे मैं रो नहीं तो क्या करूं, तुम सभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे स्किबड़ी स्किबड़ी, 1 साल का बच्चा इतना बोलता है। प्लीज मेरे भैया को छोड़ दीजिए, मेरे भैया ने आपका क्या बिगाड़ा है। काश देखिए मैं सिर्फ 1 साल का टीवी मैन हूँ। स्किबड़ी स्किबड़ी, तू तो टीवी मैन नहीं, तू टीवी बेबी है। और गाइस ये देखिए, ये है मेरे भैया, इनके पास 4 स्क्रीन वाला टीवी है और ये 12 साल के हैं। और यहाँ पर मुझे और मेरे भैया को इन लोगों ने बुरी तरह से अपना गुलाम बना रखा है। और स्किबड़ी स्किबड़ी भाई, आज कौन सी दुनिया में चला भाई मचा रहे है। अरे स्किबड़ी स्किबड़ी, जहां बोले वहां चलेंगे। गाइस इन गॉड्स को देखिए, कितने खतरनाक स्किबड़ी टॉयलेट गॉड है। ये जब चाहे ना जाने कौन कौन सी दुनिया में जाकर तबाही मचाते हैं। इन लोगों ने बहुत बुरा आतंक मचा रखा है। इनके पास पैसे सोने की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये लोग हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं, हमारा खाना हमसे छीनते हैं। कोई दिन, अरे बाप रे, स्किबड़ी स्किबड़ी बहुत बोल रहा है तू बच्चे, तेरे को मार दूंगा मैं। टीवी बेबी? मैं टीवी बेबी नहीं हूं, मैं टीवी मैन हूं। एक दिन ना मैं देखना तुम्हारे तुम्हारे बॉस से भी बड़ा टीवी मैन बनूंगा। अरे स्किबड़ी स्किबड़ी, तेरे पास की कुछ नहीं है, हिम्मत तो जा, अपने भाई को बचा। मैं अपने भाई को बचाऊंगा। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, मुझे अपने भैया को बचाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई तू चिंता मत कर, एक बार ये जाल टूट जाए मैं इन लोगों का पर्दाफाश कर दूंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा टीवी मैन बनूंगा, फिर तुझे ही बनाऊंगा। बिल्कुल भैया, आप जल्दी इस जाल को तोड़िए और हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं मेरे भाई, हम डर कर कभी नहीं जाएंगे, हमारे मम्मी पापा हमारी आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर गए, इसलिए हम कभी भी यहाँ से नहीं भागेंगे, ये हमारी जन्मभूमि है मेरे भाई। अरे नहीं भैया, हम जन्मभूमि जहाँ जाएंगे वहां बना लेंगे, लेकिन प्लीज यहां से चलिए, ये लोग बहुत खूंखार हैं। इवन आपका टीवी भी खराब हो गया, देखिए कैसे स्क्रीन क्रैक हो रही है। मेरे भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके इस्तेमाल से मैं अपनी एज करोड़ों में कर लूंगा, उसके बाद मैं यहां पर इसकी विधि टॉयलेट गॉड की बैंड बजा दूंगा। क्या, ये कैसे कर सकते हैं आप? अरे मेरे भाई तू वहीं रहना, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मुझे बचाने मत आना। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ओह माय गॉड गाइस, मेरे भैया तो इसकी विधि टॉयलेट गॉड के खजाने के पास चले गए। ओह माय गॉड, इन्होंने तो सारा का सारा सोना भी चुरा लिया, ये क्या करना चाह रहे हैं? कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दें, मुझे भैया को रोकना पड़ेगा। भैया प्लीज ऐसा मत करिए, आप जो भी करना चाह रहे हैं। एक मिनट गाइस, मेरे भैया के पास फोन कहाँ से है? अरे जल्दी खुल जा वेबसाइट, यहाँ का नेट बहुत ज्यादा स्लो है। अरे बाप रे, ऊपर क्या लिख रहा है? टीवी मैन एज सूट शॉप। अरे वाह, अब मैं यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर में बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा टीवी मैन का सूट खरीदूंगा। ओह माय गॉड गाइस, देखिए मेरे भैया को, इनकी एज तो 15 करोड़ हो चुकी है, पहले सिर्फ 12 साल के थे। ओए स्किबड़ी स्किबड़ी, ओ ये नया टीवी कहाँ से आएगा? और स्किबड़े, इसने तो हमारा पैसा चुरा के हमारे से ही टक्कर ले ली। स्किबड़े, मैं तुम सबको मार दूंगा, ये लो। गाइस मेरे भैया जरूर जीतेंगे, आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं मेरे भैया जीते। अरे स्किबड़ी स्किबड़ी, इसको तो मैं कच्चा खा जाऊंगा। स्किबड़ी स्किबड़ी, नहीं गाइस, ये आर्मी टॉयलेट स्किबड़ी गॉड बहुत खतरनाक है, नहीं मेरे भैया को छोड़ दो। स्किबड़े स्किबड़े, बड़ाया हमसे पंगा लेने वाला। स्किबड़े स्किबड़े, मर गया टीवी मैन बेचारा अपने फादर मदर की तरह। नहीं भैया भैया, आपको ऐसा नहीं करना था, हम साथ में मिलकर लड़ते तो जरूर जीतते। अब गाइस मैं क्या करूं, मैं अपने भैया को कैसे जिंदा करूं वापस? भैया का फोन कहां पर है? एक मिनट, ये तो भैया का फोन है और कुछ पैसे भी रह गए यहां पर भैया के। गाइस मैं काम करता हूं, जो भैया ने काम अधूरा छोड़ा है मैं उसको पूरा करूंगा। अब मैं दुनिया का सबसे ज्यादा एज वाला जायंट टीवी मैन गॉड बनूंगा। गाइस मेरे पास $10 और मेरे भैया का फोन है, चलो यहां से जल्दी भागते हैं। अरे इसके बड़े वो बच्चा कहां गया? गाइस इससे पहले कि वो लोग मुझे ढूंढ ले, मैं यहां पर जल्दी से। ओह माय गॉड, ये फोन तो लॉक्ड है, क्या पासवर्ड था इसका मुझे नहीं पता, मैं इसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता हूँ। वाह गाइस देखिए, यहाँ पर $10 में एक टीवी मैन का सूट है, मैं इसको बाय कर लूंगा। वाह ये तो एक ग्रीन टीवी मैन है, ये किस तरह का टीवी मैन होता है मुझे देखना होगा। क्या बात है गाइस, इस टीवी मैन के सूट के साथ साथ तो मेरी एज भी बढ़ गई, पहले मैं 1 साल का था, अब मैं पूरे 80 ईयर्स का हो गया। और गाइस यहाँ पर मेरे तो पास का खतरनाक ब्लेड भी आ चुके हैं। दोस्तों चेक करते हैं हमारे टीवी में क्या चल रहा है। अरे वाह, ब्रेकिंग न्यूज, हमारी दुनिया का जाबाज योद्धा कैमरा मैन को फाइनली स्किबड़ी टॉयलेट्स ने पकड़ लिया है और माना गया एक टापू पर वो उसको खतरनाक तरीके का ईविल बना रहे हैं। अगर वो ईविल बना तो किसानों की फसलें उजाड़ देगा, सबको मार देगा। ओह नो गाइस, किसानों की वजह से ही हमारा घर चलता है, हम उन्हीं की वजह से खाना खा पाते हैं। अगर किसान नहीं रहे, उनके खेत नहीं रहे, तो हम क्या खाएंगे पिएंगे। ओह माय गॉड गाइस देखिए, वो रहा दूर एक टापू जहां पर शायद स्किबड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर किसी तरह की टेक्नोलॉजी से हमारे भाई गोल्डन कैमरा मैन को अपनी तरफ ले रहे हैं। और स्किबड़े जल्दी यहाँ पर कैमरा मैन को अपनी तरफ लो और यहाँ पर इन इंसानों का और कैमरा मैन का स्पीकर मैन का सबका खाना वाना खत्म करो, इनके सारे खेत तबाह कर दो। बिल्कुल सही कहा स्किबड़ी स्किबड़ी, कैमरा स्किबड़ी बहन अब तू हमारे साथ है, जल्दी जाओ सबको तबाह कर दे। ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ओह नो, ये क्या गाइस, ये कैमरामैन तो मुझ पे हमला कर रहा है, मेरे भाई कैमरामैन प्लीज ऐसा मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ओह माय गॉड गाइस देखिए, ये तो यहीं से लोगों की फसलें बिगाड़ने चला गया, मुझे जल्दी जाकर किसानों को आगाह करना होगा कि असल में बड़ा सा जायंट गोल्डन कैमरामैन आ रहा है उनके खेत तबाह करने। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड मिशन है, लेकिन मैं इसको पूरा करके रहूंगा। देखिए गाइस वो कितना फास्ट है बड़ा होने की वजह से, मुझे शॉर्ट
शॉर्टकट लेना होगा तो ही यहाँ पर मैं किसानों के पास जा पाऊंगा और मैं अपने भाई कैमरामैन को ठीक भी कर लूंगा। इन लोगों ने सही नहीं किया टीममैन के साथ। अरे भाई कितनी धूप है, सूखा पड़ गई, बारिश भी नहीं हो रही, जल्दी फसल करो भाई नहीं तो हमारे बीवी बच्चे क्या कहेंगे। अरे हाँ भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अरे बाप रे गाइस, बेचारे सारे के सारे कैमरामैन और जितने भी स्पीकर मैन है साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपने खेतों में यहाँ पर फसल उगाने काम कर रहे हैं। प्लीज गाइस मेरी बात सुनो। अरे बाप रे टीवी मैन, मुझे बहुत दुख हुआ, तेरा भाई मर गया। मेरी बात सुनो, आपको यहाँ से भगना होगा। अरे भाई तू ये क्या कह रहा है, हमारी रोजी रोटी है। अरे यहाँ पर एक कैमरामैन आके सब तबाह कर देगा। तू झूठ बोल रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, चाहे तू चला जाए यहाँ से। नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना चला जाए यहाँ से, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी फायर फिल्टर से आग लगाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना मुझे तेरे साथ नहीं जाना। अरे बाप रे गाइस, मैं तो यहाँ पर इनके भले के लिए आया हूँ, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्लीज गाइस मेरे साथ चलो, वो कैमरामैन कभी भी आता होगा। अरे कैमरामैन हमारा साथी है, दुश्मन थोड़ी है। ये लो मैं तुम सबको मार दूंगा, इंसान हमारे दुश्मन है, कैमरामैन हमारे दुश्मन है। अरे तू भी तो कैमरामैन है। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अरे ये तो स्किबिडी का साथी बन गया है। अरे बिल्कुल सही कहा, ये कैमरामैन स्किबिडी का साथी बन गया है। ओह माय गॉड गाइस, ये तो सारे की सारी फसलों को तबाह कर देगा। ओह नो, बेचारे जितने भी यहाँ पर किसान वाले कैमरामैन थे उन सबको ऑलरेडी उसने मार दिया। एक मिनट गाइस, वो उधर खड़ा क्यों है, मुझे जल्दी जाकर देखना पड़ेगा। अरे बाप रे एक मिनट दोस्तों, ये तो एक कैमरामैन जैसा दिखने वाला सूट है लेकिन ये असली इंसान का सूट नहीं है। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पर एज अ बेट इस सूट को यूज करता हूँ। ओ हेलो, ओ भाई कैमरामैन देख, यहाँ पर एक कैमरामैन है, वो भी एक किसान है, आ जा उसको मार, उसकी खेत की फसल को जला दे। ऑलराइट दोस्तों, जैसे ही वो गोल्डन कैमरामैन इसको मारने आएगा हम उसको अपने इस जाल में कैद कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपने टीवी के अंदर से इतना खतरनाक वाला ट्रैप निकाला है, अब इस ट्रैप में आके कैमरामैन फंस जाएगा। अरे बाप रे एक और किसान बच गया, मुझे मेरे मालिक का काम पूरा करना होगा। ऑलराइट दोस्तों देखिए वो आ रहा है, ऑलराइट उसको आने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उसको ट्रैप में बंद कर लेंगे। ओए मैं तुझे कैमरामैन मार दूंगा। क्या बात है गाइस, वो एकदम ऑन द स्पॉट है। अब मुझे यहाँ पर अपने जाल को वापस से एक्टिवेट करना होगा। नहीं ये क्या हो रहा है, ये चारों तरफ से दीवारें कहाँ आ रही हैं। क्या बात है गाइस, मेरा टीवी तो बहुत ही अच्छा है यार, मेरे टीवी में से इतना बड़ा ट्रैप निकाल लिया मैंने। ओए टीवी मैन के बच्चे तू बचेगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, मेरी उम्र यहाँ से तुझसे करोड़ों साल ज्यादा है। अरे मैं जानता हूँ, प्लीज भाई कैमरामैन एक बार मेरी बात सुन ले, मैं यहाँ से उड़ के चला जाऊंगा। प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन, यहाँ पर इसकी मेरी टॉयलेट मॉन्स्टर तुझसे तेरे भाइयों को मरवा रहे हैं, ये कैमरामैन हम लोग सब तेरे भाई हैं। प्लीज गाइस आप भी प्लीज कमेंट में यस लिखिए, अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरे टीवी में देखिए एक बार प्लीज, मैं तुझे कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कैसे उन्होंने तुझे ईविल बनाया। देखता हूँ तेरे टीवी में, ये देख ये है रेड स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर, ये उन सभी गॉड्स का खतरनाक चेला है और इसने यहाँ पर तुझे सबसे पहले पूरी तरह से हराया, उसके बाद तेरी बॉडी को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया हमारे खिलाफ और तुझे यहाँ पर ईविल गोल्डन कैमरामैन बनाया। ये सब के सब तेरे दुश्मन है, हम तेरे दुश्मन नहीं है मेरे भाई। प्लीज गाइस जल्दी कमेंट में यस लिखो जिससे किसे यकीन हो जाए। अरे मुझे माफ कर देना भाई टीवी मैन, मैं अब उसकी ब्रीड टॉयलेट मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है गाइस, अब तो गोल्डन कैमरामैन हमारी टीम में गया। अरे उसके बड़े ये क्या, और तू तो कैमरा स्किबिडी मैन था, हमें आके क्यों मार रहा है। मैं कोई कैमरा स्किबिडी मैन नहीं हूं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा गोल्डन कैमरामैन हूं और मैं यहां पर अपने इंसानों की दुनिया को बचाऊंगा तुम जैसे लोगों के। क्या बात है गाइस, देखिए हमारे गोल्डन कैमरामैन ने क्या ही बूम मचा दी। अरे मेरे भाई टीवी मैन मेरी बात सुन, एक मिनट यहां पर क्यों आया भाई तू, मैं यहां पर तेरी हेल्प करना चाहता हूं। मुझे पता है तेरे भाई को उन गॉड्स ने बुरी तरह से मारा, तेरी फैमिली को भी, जा उनसे जाके बदला ले, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उनको देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा टीवी मैन बन जा, अपनी उम्र मुझसे भी ज्यादा कर ले। ऑलराइट गाइस, मुझे यहां पर गोल्डन कैमरामैन ने 25 मिलियन डॉलर दे दिए। क्या बात है गाइस, इतने पैसों में तो मैं और भी ज्यादा बढ़िया सा टीवी मैन का सूट खरीद सकता हूं, इस बार तो मेरे पास और भी अच्छी पावर होंगी। ओके दोस्तों देखिए एकदम टॉप में ना मिडिल में 25 मिलियन डॉलर का एक सूट है, अब मैं इसको बाय करने। ओ भाई साहब ये तो एकदम शियान कलर का टीवी मैन का सूट है, अभी बाय करता हूं। गाइस मेरी एज, मैं पहले 80 साल का था लेकिन अब मैं 9000 इयर्स का हो चुका हूं। गाइस सबसे पहले मैं निकालूंगा अपने टीवी में से एक रेड लेजर, वाह ये कितनी घातक है। अब गाइस यहां पर एक फायर अटैक करके देखें, ये देखिए क्या बात है, मैं अपने टीवी से कहीं भी देखकर वहां पर फायर अटैक कर सकता हूं। चलो गाइस अब टेलीपोर्ट होकर देखते हैं, वाह जैसे मेरे पापा जी और मम्मी जी टेलीपोर्ट होती थी ऐसे मैं भी टेलीपोर्ट हो सकता हूं। चलो गाइस अब चेक करते हैं न्यूज़ पर क्या चल रहा है। अरे है बाप रे ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है हमारी दुनिया का एक ऐसा खतरनाक टीवी मैन का सूट है जो माउंट चिलियार्ड के समुद्रों में और साथ साथ में पत्थरों में दफन है। माना गया है जिसको भी वो टीवी मैन मिल गया उस टीवी मैन की मदद से वो किसी भी चीज को किसी भी स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को पैसों में बदल सकता है। क्या एक ऐसा टीवी मैन का सूट जिससे कि अगर किसी को वो मिल जाए तो वो किसी भी स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को पैसों में बदल सकता है, ये कैसे पॉसिबल है गाइस मुझे देखना पड़ेगा। अरे स्किबिडी स्किबिडी जल्दी उस टीवी मैन के सूट को ढूंढो और डिस्ट्रॉय करो स्किबिडी स्किबिडी, वरना अगर किसी ने पहन लिया तो वो हमको पैसों में कन्वर्ट कर लेगा स्किबिडी स्किबिडी। अरे बिल्कुल सही कहा बॉस स्किबिडी स्किबिडी, हम सब यहां पर निकाल लेंगे उस टीवी मैन के सूट को, डिस्ट्रॉय कर देंगे स्किबिडी स्किबिडी। ओह नो गाइस, इससे पहले कि वो टीवी
स्पाइडरमैन का सूट इन्हें मिले, मुझे इन सबको यहाँ से रास्ते से हटाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, गाइस असल में वो कोई टीवी मैन का सूट नहीं था, वो सिर्फ एक सिंपल सा टीवी है। क्या सच में इसमें इतनी ताकत है ये किसी भी स्किबिडिटोर मॉन्स्टर को पैसों में कन्वर्ट करता है? ये बात तो पता चलेगी चेक करने के बाद। फिलहाल तो ये लो गाइस साहब, मैंने यहाँ पर फायर अटैक कर दिया इनसे अपने टीवी से। ऑलराइट, ये तो अभी शुरुआत है, अभी यहाँ पर हम और खतरनाक रहेंगे। ये ले, अरे स्किबिडी, और ये इतना बड़ा टीवी मैन कहाँ से आ गया? अरे ये कहाँ से आ रहा है? निकलो यहाँ से बेटा, मैं तुम सबको पीटूंगा। और गाइस ये देखिए, मैं अपने टीवी के अंदर से खतरनाक मिट्टी और अटैक भी कर सकता हूँ, और तो पता नहीं क्या क्या पावर्स होंगे। खैर दोस्तों, अब एक काम करते हैं, जल्दी से जमीन में खड्डा खोदते हैं या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो टीवी हमारी तरफ आ जाए। ऑलराइट गाइस, अब मैं यहां पर टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उस टीवी को अपने पास लेकर आऊंगा। आप सभी सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है। ऑलराइट, मुझे बस उस चीज की तरफ देखना है और उसको फोकस करके अपनी तरफ खींचना है। क्या बात है गाइस, मेरी टेलीकिनेसिस जो कि होती है टीवी टेलीकिनेसिस, वो अच्छे से काम कर रही है। गाइस जब इसको टीवी को एब्जॉर्ब कर लिया है हमने, क्या मैं सच में अब किसी भी स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूं? उसके लिए तो हमें किसी टॉयलेट मॉन्स्टर के पास चलना पड़ेगा जो जीवित हो। अरे बाप रे, क्या, अरे स्किबिड, मैं तो तुझे मार दूंगा स्किबिड, तेरी फैमिली की तरह। अरे बाप रे गाइस, आपको याद है ना, ये वही आर्मी टॉयलेट स्किबिडी गॉड है जिसने मेरे भैया को मारा था, और अब तुझे भी मारूंगा मैं स्किबिड स्किबिड। अरे नहीं, मैं तुझसे हारने वाला नहीं हूं। ये ले लाइटनिंग स्किबिडी अटैक स्किबिड स्किबिड। ओ माय गॉड, ये तो लाइट जितना फास्ट है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं भी यहां पर कुछ कम नहीं हूं, मैं तुझसे डरता नहीं। अरे गाइस बहुत हो गया, मैं काम करता हूं, क्यों ना मैं अपनी नई टीवी की पावर इसी स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर पे यूज करूं। चलो ट्राई करते हैं, 1 2 3। वाह, मैंने इसको 55 मतलब 55 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। गाइस ये नया टीवी तो बहुत ही ऑसम है यार। चलो चेक करते हैं 55 मिलियन डॉलर में हमें क्या देगी ये वाली वेबसाइट। ऑलराइट दोस्तों, एक सूट तो है, ये सेकंड लास्ट है। अरे बाप रे, ये तो एक गोल्डन टीवी मैन का सूट है। गाइस सच में देखने में बहुत महंगा लग रहा है, क्या बात है गाइस, अगर मेरे भैया होते ना वो बहुत खुश होते। गाइस मेरी एज देखिए, मैं 15 लाख साल का हो गया, अब तो मैं करोड़ साल से दूर नहीं हूं। एक बार मुझे यहां पर 100 मिलियन डॉलर मिल जाए, फिर हम 1 करोड़ साल से भी प्लस के पहुंच जाएंगे। और गाइस ये देखिए मेरी सुपर फास्ट टीवी रोटेशन, क्या बात है गाइस, मैं तो किसी को भी घुमा सकता हूं। इवन मेरे टीवी के अंदर तो एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है, मैं आप सभी को कभी दिखाऊंगा। एक मिनट, ये क्या, स्किबिड, इसने ही हमारे दोस्त को मार दिया। बिल्कुल सही कहा स्किबिड, मैंने सोचा नहीं था ये टॉयलेट किसी टीवी को मार सकता है स्किबिड। अरे बाप रे गाइस, ये क्या कर रहा है, मैं तुझे ऊपर उठा रहा हूं स्किबिड। अच्छा बेटा, गाइस शायद ये जानता नहीं है मैं यहां पर इसको भी पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो चलो गाइस ट्राई करते हैं, 1 2 क्या कर रहा है स्किबिड के, और 3। वाह क्या बात है, 160 मिलियन डॉलर, इतने पैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक मिनट दोस्तों, लास्ट वाला सूट 160 मिलियन डॉलर का ही है, और देखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो मेरे मम्मी जैसा सूट लग रहा है, पिंक टाइप का है। अभी भाई करता हूं, क्या बात है गाइस, मैं कितना ज्यादा बड़ा हो गया, मेरी एज देखिए, मैं 45 करोड़ ईयर्स का जायंट टीवी मैन बन चुका हूं। अरे स्किबिड, मैं हूं जी मैन, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा स्किबिड। चलो गाइस, अब यहां पर इस जी मैन स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर की मम्मी याद दिलाते हैं इसको। अरे बाप रे, ये तो मुझ पे अटैक कर रहा है स्किबिड, ये है मेरा मिट्टी और शावर स्किबिड। अच्छा बेटा, अब मैं तुझे बता रहा हूं गाइस, मेरे पास एक आईडिया है। मैं यहां पर आपको बता रहा था ना, मेरे टीवी के अंदर एक पूरा यूनिवर्स है, मैं यहां पर अपने यूनिवर्स में इस स्किबिडी वर्स के टॉयलेट को अपने अंदर ले लेता हूं, और इसके सारे मॉन्स्टर आर्मी को भी। आप सोच रहे होंगे वो जीमैन कहां गया, चलो गाइस आपको कुछ दिखाता हूं। अरे स्किबिड स्किबिड, हम इस टीवी के अंदर क्या कर रहे हैं स्किबिड स्किबिड, अरे स्किबिड स्किबिड मेरे को बाहर निकालो, और स्किबिड स्किबिड बाहर निकालो। गाइस देखो, मैंने यहां पर सारे स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को अपने टीवी के अंदर रख लिया है। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।